हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ विपाशा गर्ग। आज लेक्चर है आपका हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडियन आर्ट का, कोड है 401। सो हम बात कर रहे थे आर्टिस्ट के बारे में, नंदलाल बसु आर्टिस्ट के बारे में। इसमें आपका नेक्स्ट टॉपिक है पुरस्कार एवं सम्मान, ठीक है। तो बसु की कला क्षेत्र को देन तथा महान कला गुरुता से प्रभावित होकर सन 1950 ईस्वी में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ने उन्हें डीलिट की उपाधि से विभूषित किया। यानी बसु की जो कला क्षेत्र है उसको देन और तथा महान कला गुरुत्व से प्रभावित होकर उन्होंने 1950 ईस्वी में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ने उन्हें डीलिट की उपाधि से विभूषित किया था, ठीक है। 1950 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ने डीलिट से उन्हें उपाधि से विभूषित किया। सन 1952 ईस्वी में विश्व भारती ने शैक्षिक जगत के सर्वोच्च देशी कोत्रम से उन्हें विभूषित किया। मतलब फिर 1952 ईस्वी में विश्व भारती ने शैक्षिक जगत के सर्वोच्च देशी कोत्रम से उन्हें विभूषित किया था। उसके बाद 1953 ईस्वी में शांति निकेतन आश्रमिक संघ ने उनके सम्मान में अर्ध्य दान उत्सव का आयोजन किया, ठीक है। 1953 में शांति निकेतन आश्रमिक संघ ने उनके सम्मान में अर्ध दान उत्सव का आयोजन किया। उसके बाद 1954 ईस्वी में भारत सरकार ने आचार्य को उनकी कला संबंधी सेवाओं एवं उपलब्धियों के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया, है ना। ये 1954 ईस्वी में है जब भारत सरकार ने आचार्य को उनकी कला संबंधी सेवाओं एवं उपलब्धियों के लिए पद्म विभूषण से उन्हें सम्मानित किया, यानी वो उनको पद्म विभूषण मिला हुआ है। 1956 ईस्वी में ललित कला अकादमी नई दिल्ली के आदि सदस्य के रूप में चुने गए। उसके बाद 1956 ईस्वी में ललित कला अकादमी के नई दिल्ली के सदस्य के रूप में ही चुने गए। फिर 1957 में कोलकाता विश्वविद्यालय ने बसु को डीलिट की उपाधि से सम्मानित किया, है ना। 1957 में डीलिट की उपाधि से सम्मानित हुए। 1958 ईस्वी में ललित कला फिर कोलकाता ने उन्हें रजत जयंती पदक प्रदान किया। इसके बाद 1963 में रविंद्र भारती विश्वविद्यालय ने उन्हें डीलिट की उपाधि दी। उसके बाद 1965 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी कोलकाता ने उन्हें रविंद्र शताब्दी पदक प्रदान किया, ठीक है। 1965 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी कोलकाता ने उन्हें रविंद्र शताब्दी पदक प्रदान किया। ओरिएंटल सोसाइटी ऑफ आर्ट्स द्वारा 500 का पुरस्कार मिला। इस पुरस्कार की राशि से आपने उत्तरी भारत मथुरा बनारस वृंदावन का भ्रमण किया, है ना। जो इनको ये 500 रुपये का पुरस्कार मिला था, इस राशि से इन्होंने मथुरा बनारस वृंदावन का इन्होंने भ्रमण किया और वहाँ की स्थापत्य कला एवं मूर्ति कला का अध्ययन किया। आप पहले भारतीय थे जिनकी कलाकृतियों पर सर्वप्रथम रंगीन वृत्तचित्र डॉक्यूमेंट्री तैयार किया गया। मतलब ये एक पहले ऐसे भारतीय थे जिनकी कलाकृतियों पर सर्वप्रथम रंगीन वृत्तचित्र डॉक्यूमेंट्री तैयार किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट आपका लास्ट है इसमें मृत्यु। बसु की मृत्यु 16 अप्रैल सन 1966 ईस्वी को हुई। हालांकि बसु की जीवन ज्योति आज इस संसार से लुप्त हो गई है, पर वे भारतीय कला को एक ऐसी ज्योति दे गए जो सदा उनका पथ प्रदर्शित करती रही है, ठीक है। बसु, नंदलाल बसु आपका आर्टिस्ट आज कंप्लीट हो गए। अब नेक्स्ट आपका है असित कुमार हल्दर। इसमें आपका फर्स्ट है जन्म तथा प्रारंभिक शिक्षा, सेकंड है भित्ति चित्रियों की प्रतिकृति, थर्ड है लेखन, फोर्थ है कला यात्रा, फिफ्थ है कला शिक्षा, सिक्स्थ है शिल्पकार के रूप में, सेवेंथ है चित्र संग्रह, ठीक है। ये असित कुमार हल्दर जी का पिक है इसमें, ठीक है। तो इसमें आपके टोटल कुल 7 पॉइंट्स हैं, 7 पे इनके ऊपर डिस्कशन है। तो पहले पे बात करते हैं जन्म तथा प्रारंभिक शिक्षा। हल्दार का जन्म जोडा साको स्थित टैगोर भवन के विचित्र कलामय वातावरण में एक प्रतिष्ठित हल्दार का जन्म जोडा साको स्थित टैगोर भवन के विचित्र कलामय वातावरण में एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था, है ना। तो जो हल्दार जी हैं उनका जन्म जोडा साको में हुआ था, वहाँ पे जो स्थित है टैगोर भवन उसके विचित्र कलामय वातावरण, टैगोर भवन के
प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था, मतलब ये अच्छे प्रतिष्ठित परिवार से थे। अल्प अवस्था में ही ग्रामीणों के पट चित्रण देखकर इनका बाल मन जगा, मतलब जब ये छोटे थे तो तब जो ग्रामीणों के पट चित्र देखे थे इन्होंने, इसमें ही इनका बाल मन जगा था। बाद में आपके ने दादा राखल दास से, जो उस समय लंदन विश्वविद्यालय में संस्कृत के प्राध्यापक थे, अपनी कला अभिरुचियों को विकसित करने में विशेष प्रेरणा एवं प्रोत्साहन मिला। तो जो हलदार जी थे वो एक अच्छे प्रतिष्ठित परिवार से बिलोंग करते थे और टैगोर भवन में इनका जन्म हुआ था जोडासाको में, ठीक है। और अल्पस्था से ही इनको पटचित्रण इन्होंने देख के इनका बाल मन जगा। बाद में जो इनके दादा थे, इनके दादा का नाम था राखल दास से, जो उस समय लंदन विश्वविद्यालय में संस्कृत के अध्यापक थे, है ना, ये उस टाइम मतलब लंदन विश्वविद्यालय में संस्कृत के प्राध्यापक थे। अपनी कला अभिरुचियों को विकसित करने में विशेष प्रेरणा एवं प्रोत्साहन मिला, मतलब इनकी जो कला रुचि थी उनको विकसित करने में इनको काफ़ी प्रेरणा मिली थी और प्रोत्साहन भी मिला था। 15 वर्ष की आयु में हलदार को कोलकाता के गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट में दाखिला दिलवा गया था, मतलब जब ये 15 वर्ष की आयु में थे तो हलदार जी को कोलकाता के गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट में ही दाखिला दिलवा दिया गया था, है ना। मतलब इनके जो दादा थे इनकी उससे ही इनको काफ़ी हेल्प मिली थी, इनको प्रेरणा मिली थी, और जैसे मतलब उनके दादा वर्क करते थे तो इन्हें देख के मतलब वो रुचि इनकी बढ़ने लगी, तो उनसे इन्हें प्रेरणा भी मिली, प्रोत्साहन भी मिला। जैसे कहते हैं कि एक सपोर्ट ज़रूरी होता है, आप आर्टिस्ट हो तो आपकी थोड़ी हेल्प करने के लिए, तो इनके दादा की उससे ही इनको प्रेरणा भी मिली थी और प्रोत्साहन भी मिला था, ठीक। और जब ये 15 वर्ष की आयु में थे तो इनको कोलकाता के गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट में इनको दाखिला दिलवाया था, जहां आपको कलागुरु अवनींद्र नाथ के यहाँ, मतलब जो कलागुरु थे इनके अवनींद्र नाथ, तो इनके कलागुरु थे नंदलाल बोस, सुरेंद्र नाथ गांगुली तथा शारदा चरण वकील जैसे प्रतिभावान शिक्षार्थियों का साथ मिला, है ना। तो वहाँ पे इनको नंदलाल बोस, सुरेंद्र नाथ गांगुली और जो शरण वकील हैं, ये आप पढ़ चुके हो ये सब आर्टिस्ट, तो इनके जैसे जितने भी प्रतिभावान शिक्षार्थी थे इनका इन्हें साथ मिला था, जिन्होंने चित्रकला को अपने जीवन का उद्देश्य बनाया था। यानी जितने भी ये सब आर्टिस्ट थे इन्होंने चित्रकला को ही अपने जीवन का उद्देश्य बनाया था, तो इससे इनको काफ़ी सपोर्ट मिली थी, इनको इस तरह के जो शिक्षा साथी मिले थे। इसी समय ईबी हेवल और डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी जैसे कला मिनीषियों के सानिध्य में रहकर आपने कला के पुरुत्थान की गतियों विधियों पर दृष्टिपात किया, है ना। इसी मतलब ये इसी समय की बात है, ईबी हेवल और डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी जैसे कला मनीषियों के सानिध्य में रहकर आपने कला के पुनरुत्थान की गतिविधियों पर इन्होंने दृष्टिपात किया, जो ईबी अभी भी आप पढ़ चुके हैं और आनंद कुमार स्वामी भी, ठीक है। तो ये भी बहुत अच्छे कला शिक्षक थे, तो इनके सानिध्य में रहकर इन्होंने कला के पुनरुत्थान की, मतलब कला के लिए जो ये ज़्यादा कर सकते थे उसकी गतिविधियों को, मतलब इन्होंने ध्यान दिया उस पर, दृष्टि डाली, और उनके नक्शे कदम का अनुसरण कर प्रवृत्ति जीवन में सर्जन प्रक्रिया की मूल अंतःप्रेरणा बना कर उजागर हुए। मतलब फिर उनके नक्शे कदम पर, मतलब जैसे वो काम करते थे उनके नक्शे कदम पर ही चले हुए, उन्हीं का अनुसरण किया उन्होंने, और इनका जो प्रवृत्ति जीवन था उसमें इन्होंने सर्जन प्रक्रिया की मूल अंतःप्रेरणा बनकर इन्होंने उजागर हुए। अल्प अवस्था में ही ग्रामीणों के पट चित्रण देखकर इनका बाल मन जगा, मतलब जब ये छोटी अवस्था में थे तो जब इन्होंने ग्रामीण के ये पट चित्रण देखे थे तब इनका बाल मन जगा था। और बाद में तो इनके दादा ने इनको, जो राखल दास जी थे उस समय इन्होंने लंदन विश्वविद्यालय में संस्कृत के ये प्राध्यापक थे, तो अपनी कला अभिरुचि को विकसित करने में इनको प्रेरणा और वो दी। तो इतना ही पहले आप लर्न कर लीजिए इनका जो जन्म स्थान है और प्रारंभिक शिक्षा है हलदार जी, जो मेन मेन चीज़ें हैं बस आप वो भी करिए। और शॉर्ट क्वेश्चन में अगर 1% आपके शॉर्ट क्वेश्चन में आते हैं तो अपना ये जैसा मैंने आपको बताया था नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए, उसके अकॉर्डिंग आप जो मेन मेन बातें हैं वो आप अच्छे से लर्न कर लेना, ठीक है।
आज की वीडियो में इतनी है, फिर बाकी आगे कल डिस्कस करते हैं। बाकी कोई दिक्कत होगी आप जूम मीटिंग में डिस्कस कर लेना।